सफेद मोर, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे प्राणी इसका पीछा कर रहे हैं? करोड़ द्वार। लेकिन देखिए, सैनिक रंगदा के जादू के वश में है। द्वार पर एक मानव है। आओ छोटी मक्खी, फंसो मेरे जाल में। करते थे। उन्हें देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलती थी। राजी इन्हें खिला सकती है अगर वो इनके बारे में सोचे तो। विष्णु का मंदिर है, ये हिरण्य नगरी होगी। मैंने इस जगह की बहुत कहानियाँ सुनी है। उसने आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए नगर को पहचान लिया। क्या आप खुश नहीं हैं, भगवान विष्णु? जो बेशक मेरे मंदिर के लिए, लेकिन अब ये मेरा नहीं है। अब शक्ति आवाज करती है। मेरे नगर में उसकी परछाई लंबी है। तुम्हें हराना होगा राजी। वो आपको सुन नहीं सकती, लेकिन वो कर लेगी। देखो उन्होंने मेरे नाम पर क्या बनाया, एक सुंदर समृद्ध चमत्कारों से भरा हुआ नगर। इतनी सुंदर नक्काशियां और जटिल तंत्र, ये पानी से चलने वाले चक्के, इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे जिनसे द्वार खुलेंगे और वजन उठेंगे। जलासुर, जल के असुर, रंगा के कलपुर्जों वाले सेवक हैं। संभल कर, संभल कर राजी, उनके दृष्टि से बचो। मोर, ये चिल्ला रहा है, क्या उसे चोट लगी है? से दूसरा अवसर देगा, लेकिन ये रास्ता बंद है। देखिए, रक्षक नदियाँ उफान पर हैं। उन्हें शांत करने के तरीके भी हैं। उसे कल पुर्जों के बारे में क्या पता होगा? ये लड़की बहुत होशियार है, वो रास्ता ढूंढ लेगी।
सैन्य के महारथी हिरण्य रक्षक भी परेशान है, कुछ तो गलत हुआ है। रंगदा ने मछलियाँ भी भ्रष्ट कर दी है। ये सही हो सकता है भगवान विष्णु, हम इसलिए ही यहाँ हैं। उसे ये साफ करना ही होगा दुर्गा, उसे ये सब साफ करना होगा। वो करेगी, फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा। गोलू से क्या चाहिए? उसे निर्देश देने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए? राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी, और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल। अगर सोचा जाए तो लड़ाई धार्मिक जगहों पर भी होती है। अगर सही वजह के लिए हो तो युद्ध भी धर्म ही है। Oh!
मौजूद है। Thank you.
नदियां बह गई। ये काफी नहीं है, और भी कुछ करना होगा। दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा। उसे जल्दी करना होगा। राजी के तैयार होने से पहले रंगदा को पता नहीं लगना चाहिए। हमारे माता पिता क्यों नहीं है? मेरे प्यारे भाई, वे वहाँ हैं, तारों के बीच। मेरे साथ माँ दुर्गा है। ये चालाक लोगों की जगह है। ये पंचक्कियां, ये पानी जो इस हरे भरे खेत को सींचती हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये चालाक है। भगवान विष्णु, इसमें शक्तियां केंद्रित हैं, और अब ये रंगदा के हाथों में है। तुम्हारी बुराई
से बात कीजिए, क्या तुम नहीं उठोगे? इन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं है, इनके दिमाग रंगदा के इशारों पर चलते हैं, और इसलिए शहर बिना किसी लड़ाई के कब्जे में कर लिया गया। लेकिन वे जिंदा हैं और उन्हें आजाद कराया जा सकता है। यहाँ देखो, ये गरुड़ की कहानी। विनीता का मन कई साल बीत गए। गरुड़ अपनी माँ के लिए गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करें। इस तकनीक से रक्षक नदियां शांत हो जाएंगी। क्या ये उसके लिए कुछ ज्यादा है? चक्रदंत और पुर्जे असुरों की तुलना में इनसे लड़ना कठिन नहीं है। मंदिर पहुंच सकती हूँ। शाबाश राजी, शायद वहाँ मुझे कुछ मदद मिले। नदियाँ बहने लगी, मेरा जादू खत्म हो गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी घुसपैठिए। हाँ।
आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भगवान विष्णु। मैं आपके नाम में इनका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे भगवान मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। बेटी, मयूर की रक्षा करो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जय मां दुर्गा।
आपकी कृपा है भगवान विष्णु, मैंने नहीं सोचा था मैं ये सब देखूंगी। राजी, तुम इससे बहुत आगे जाओगी और अपना समय पूरा होने से पहले बहुत से चमत्कार देखोगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो खतरे भी झेलेगी। बिल्कुल, ये जगह सुंदर है लेकिन इस पर रंदा का कब्जा है। मुझे उम्मीद है कि राजी तैयार है। पानी में परछाई। क्या वो गोलू था? नहीं, गोलू, गोलू, वे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं?
छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है। ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? बहुत दूर नहीं है, लेकिन उसे बहुत ऊंचाई पर चढ़ना होगा। हम जानते हैं कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके बाद उसे जिसका सामना करना पड़ेगा वो शक्तिशाली है भगवान विष्णु, लेकिन रंगदा बच्चों की भक्षक है। मेरा नगर आजाद होकर रहेगा। मेरे तुम मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। अब उसे प्रकाश स्तंभ जलाना चाहिए। ऊपर जाओ राजी, ऊपर जाओ, ऊपर आग जलाओ। तैयार रहो, क्योंकि ये आग रंगदा सहन नहीं कर सकती। अब
देखो, दुष्ट का असली चेहरा दिख गया। तैयार रहो राजी, तलवार, ढाल और दिल। ये प्रकाश स्तंभ जलाने की कोशिश किसने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी मानव। अब अपनी मौत देख लो। मेरा भाई लौटा दे चुड़ैल। तो तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हथियार उठाने की? मैं तुम्हें एक बार हरा चुकी हूँ और मैं फिर से ऐसा ही करूंगी।
लोग मेरे सामने टिक पाते हैं? तुम कौन हो? हम पहले भी लड़ चुके हैं, मुझे लगता है। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा। मौत का स्वाद चखो शैतान। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा। और कोई तुम्हारा शिकार नहीं बनेगा। कैसे, ये कैसे कैसे हो सकता है? जीत गई। आपने कहा था ऐसा ही होगा दुर्गा, और अब तक कई जिंदगियां रंगदा के लालच का शिकार हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन रंगदा कभी भी चालाक जीव नहीं थी। अब राजी को रंगदा के पीछे जो साजिश करने वाला है उसका सामना करना चाहिए। वो महाबलासुर के सामने कैसे लड़ पाएगी जिसके पास उसका भाई है? रहस्यवादी संदेशवाहक थक चुका था। उसने राजी को उसकी भूमि में जो है उसको लेकर चेतावनी दी। एक विजेता आया, साथ में असुर, मौत और दुख लाया। लेकिन उसके पास गोलू तक पहुंचने का बस यही रास्ता था।
उन्हें तेजी से चलना होगा। असुरों की सेना राजी को रहस्यवादियों की धरती पर पहुंचने से रोकने के लिए कुछ भी करेगी। रहस्यवादी बुरी तरह घायल था। राजी को खुद ही आगे बढ़ना होगा। मयूर, जो तुम कर सकते थे तुमने किया। अब आराम करो और सुरक्षित रहो।